साहेब जी श्री नानक परशोत्तम परम परावर नाथ युगल चरण मम बंदना तर पर तर कर माथ गुरु नानक पाद पंकज बंदन पाद पंकज बंदन सिमरं अंगद दोख निकंदन अमरदास गुर हृदय हृदय तिहा श्री गुरु रामदास गुण गा गुरु अर्जन बिगनन के बिगनन के श्री गुरु हर गोबिंद शुभ सुमत पर गुरु हर राय नमो कर जोरी नमो कर जोरी श्री हर कृष्ण मनाए होरी तेग बहादुर परम केर परम केर श्री गुरु गोबिंद सिंह बिसाला तरों तरा पर पुन पुन सीसा पुन पुन सीसा बंदों बार बार जगदी जिसमह अमृत ज्ञान है माणक भगत वैराग श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदा कर अनुराग श्री गुर शब्द कमाए जिन जीते पंच बेकार तिन संतन को बंदना सिर चरणन पर तहार एकंकारा सतगुरु तेह प्रसाद सच होए वाहे गुरु जी की फतेह बिघ्न विनाशन वाहे गुरु जी की फतेह बिघ्न विनाशन सोए सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी विप्रै पठे चार हूँ वर्ण श्री हर राय सुने जब करण राम राय को त्याग्यो ऐसे निज मोखन लगन ना दीनस कैसे विप्रै पठे चार हूँ वर्ण वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह गरीब नवाज सच्चे पातशाह
तखत चवर शतर दे मालक जाग दी जोत तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सतगुरु जी की मेहर सदका आप जी सतसंगत दियां कड़ियां दा सुख मान रहे हो। जगत गुरु धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी महाराज हजूर दी पवित्र चरण छो प्राप्त पावन अस्थान गुरुद्वारा नानक प्यो साहेब हजूर ने जिथे मोए हुए हाथी विच जान पा दित्ती सी गरीब नवाज सच्चे पातशाह अमृत वेले दा समा सी महावत दा हाथी मर जान करके बहुत दुखी हो करके वैराग कर रहा सी। उस दी दर्द भरी आवाज सतगुरां दे कन्नां विच पई सी। महाराज जी ने भाई मरदाना जी नूं कहा, पुछ भाई मरदानिया की गल है, इहनूं क्यों इन्ना दुखी है। हजूर नूं आ करके दस्या, पुछ के भाई मरदाना जी ने, महाराज इहदी उपजीविका हाथी दे द्वारा चलदी सी, हाथी मर गया है, महाराज इस करके रोंदा है कि हुण उपजीविका किवें बनेगी। सतगुरु जी नूं दया आई। महाराज जी ने भाई मरदाना जी नूं कहा कि अपने कोलों जल छिड़कदिआं होइआं सतनाम वाहिगुरु आखो। मोए होए हाथी विच अपने कीर्तनीए कोलों सतगुरां ने जान पवा दित्ती। अज ये साखियां सिख जगत दा जो सतसंगत जी वजूद है, सिखां दी जिथों जड़ मजबूत हुंदी है, इन्हां साखियां नूं मन कड़त कह के नकारिया जांदा है। पर साडे घरां दा इह शिंगार सीगियां साखियां, गुरुदेव ने जदों इह बख्शिश कीती ते काजी ने तर्क मारी सी कि जे शक्ति है तां हुण मार के विखाओ। महाराज कहिंदे करतार नूं पाया तां मर जाएगा। हाथी खड़ा खलोता डिग गया सी इस अस्थान ते जो वाकया होया। महावत ने फिर बेनती कीती, महाराज शंका तां काजी ने कीती है, महाराज मेरा की होऊगा। सतगुरां जी ने फिर मरिया हाथी जींदा कर दिता, क्योंकि सतगुरु जी वास्ते संसार आना ते जाना एक खेल है। सतसंगत जी आवन जान एक खेल बनाया, आज्ञाकारी किन्नी माया। इस संसार दे अंदर ज्यौंदा रहना, शरीर करके कायम रहना साडे मन दा परम है। गुरुदेव शब्द दी दात दिंदे है, जिस करके प्राणी मात्र नूं ज्ञान हुंदा है कि यह संसार एक खेल है। सच्चे पातशाह महाराज जी ने सतसंगत जी बेअंत मुरदियां विच जान पाई है। ये तां बहुत वड्डा करिश्मा नहीं गुरु घर विच, पर आम दुनिया विच वड्डा करिश्मा समझदे है। वड्डा करिश्मा यह है कि वाहिगुरु वल्लों मरे
ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੀਸ ਕੱਟ ਕੇ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਪੰਥ ਦੀ ਨੀਂਹ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸੀਸ 'ਤੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਐਸੇ ਮੁਕੱਦਸ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਪ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਸਨ, ਦੋ ਦਿਨ ਦੇ ਪਰਤਣਾ ਸੀ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘ ਗੁਰਮੁਖ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ 'ਤੇ। ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਵਕਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਉਲੀਕਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਵੇਰ ਦੀ ਕਥਾ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਉਲੀਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮਾਫ਼ੀ ਯਾਚਨਾ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕਥਾ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਅਗਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਇਸ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਲੜੀਵਾਰ ਆਪ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਸੰਗਤ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰਬੰਸ ਲੁਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਅਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਉੱਚ ਦਾ ਪੀਰ ਬਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਆਪ ਨੇ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣੋਗੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਾਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਮੁਰਦਾ ਰੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੋ ਕਪੂਰਾ ਹੈ ਡਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਪ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਪਿੱਛੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਦੀ ਜੜ ਪੁੱਟੀ ਜਾਣ ਦਾ ਹੀ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਠੇ ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਨੇੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਢੀ ਕੌਲ ਰਾਏ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸੁਣਿਆ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਸੋਢੀ ਕੌਲ ਰਾਏ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗਲੇ ਲਗਾ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛਾਪ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੌਲ ਰਾਏ ਕੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮਾਤਰ ਸੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਉਧਰ ਜਾਂਦੇ। ਐਸੀ ਮਹਾਨ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣੇ ਮਾਤਰ ਸੇ ਹੀ ਜੀਆਂ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿੱਤ ਕੀ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਾਟੇ ਸੋ ਪਾਪ ਤਿਨ ਨਰਹੋ ਕੇ, ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਜਿਨ ਪਾਇਓ, ਛਤਰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਪਿਰਥਮੀ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਕਉ ਦੇ ਆਇਓ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਪ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋਢੀ ਕੌਲ ਰਾਏ ਨੇ
गुरुदेव दे चरणां विच बेनती कीती, सच्चे पातशाह मैनू रला लो। पहलों कपूरे दी बाबत भी बचन होया। कौल राय ने आख्या, महाराज सुनिया तुसी कपूरे नू सराप दे दिता है। महाराज कहिंदे जड़ पुट दित्ती है। जदों हजूर ने कहा तो कौल राय कहिंदा, महाराज वह तो मेरा सेवक है, वो दियां जड़ां तो मेरे पेट च लगियां हुई हैं। जदों इउं कहा सतगुरु कहिंदे उह ही तेरा फिर पेट पाड़ देणगे। फिर डर गया कौल राय। सतगुरु गरीब नवाज कहिंदे ने कि जिन्हों असी बचन कह दिता कोई बचा नहीं सकेगा। इस कौल राय ने फिर महाराज जी दे अगे बेनती की, सतगुरु कृपा करके सानू टुटियां नू गंढ लो, क्योंकि महाराज जी ने जदों अमृत की दात बख्शिश की है ना, उदों महाराज जी ने यह बचन रहत विच दरसाए सी ते बाद दस्तूर दरसाए जांदे है। राम राइए धीर मलिए ते पृथ्वी चंद दे नाल संबंध रखण वाले। महाराज कहिंदे इन्हां नाल मेरे खालसे ने कोई मेल मिलाप ते रोटी बेटी दी सांझ नहीं करनी है। ये महाराज जी ने कहा कोई मेल मिलाप भी नहीं करना है। हाँ, इन्हां विचों जे गुरु पंथ दी शरण पै जावे ते गुरु पंथ दे अनुसारी हो करके पंथ वाला रस्ता ग्रहण करे, माफ़ी जाचना करे, उन्हू खालसा जी अपने नाल रला लैना। जदों सोढ़ी कौल राय ने महाराज जी ने बेनती की, सच्चे पातशाह कृपा करके मैनू अमृत की दात बख्शो, सानू महाराज बेमुख होया नू सनमुख करो। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज ने इस कौल राय सोढ़ी नू भी फिर अमृत की दात बख्शिश की। इस दा नाम कौल सिंह होया है। तो गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी महाराज जी ने उथे जिस वक्त ये कौतक कीते ने, पिछों चौपाई तो आपां आरंभ करदे हां, आप जी नू समझ पवेगी। सतगुरां जी वास्ते ये सफेद वस्त्र लै करके आया, क्योंकि महाराज जी ने नीले वस्त्र धारण किए हुए सी। सतगुरु गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी नू कहिंदे, क्योंकि तुरक जिहड़े है नील वस्त्र ले कपड़े पहरे, तुरक पठानी अमल किया वाक आउंदे आ ना, जदों तुरक हज करदे उदों नीले वस्त्र धारण कर लैंदे आ। कहा महाराज ये हुण तुसी वस्त्र उतार दिओ, ते ये वस्त्र महाराज मैं लैके आया ये धारण करो। सच्चे पातशाह जी ने उहदे लियांदे होए वस्त्र धारण कीते, ते नीले जिहड़े वस्त्र सी उह महाराज ने उस समय अगन भेट करवा दिते। भाई मान सिंह जी ने एक जिहड़ा सतगुरां दे शरीर नू सोया होया वस्त्र वह अपने कोल रख लिया, ते शीश ते सजा ली दस्तार। महाराज हस पए। सतगुरु कहिंदे भाई मान सिंह जा साहब, यह भी एक नील धारी फिर पंथ चलेगा। निहंग सिंह नीला बाणा पैर दे है। उत्थे महाराज जी ने वाक कहे सी कि नील वस्त्र ले कपड़े फारे, तुरक पठानी अमल गया। ये वाक महाराज कहे, ते ये भाई कौल सिंह ने सोढ़ी कौल राय इन फिर शंका की महाराज दे इस बचन दे उपर। शंका करके सतगुरां जी नू की कहा, आओ चौपाई तो आरंभ करो। पिछों दो चार पौड़ियाँ चौपाई आरंभ हुंदी है, उतों आप जी आरंभ करो। प्यार नाल सरवण करिए, महाराज जी का ध्यान करते हुए आखो जी, सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी। सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी। चौपाई कहत कौल मम उर संदेहु। ये कौल सिंह अमृत छक लिया ना, सोडी कौल राय है नाम, पर सिंह लग गया, पद अमृत की दात प्राप्त की है।
जदों महाराज ने कहा ना कि नील वस्त्र ले कपड़े फाड़े, महाराज ने पाड़ दिते सी। पहलों पंक्ति दा गुरबाणी दी पहरे है, ते तुरक पठानी अमल किया। महाराज जी ने वो जो सुल्तानपुर लोधी दी धरती ते सच्चे पातशाह ने यह वचन कहे सी, तां गुरु महाराज धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी कहिंदे आ नील वस्त्र ले कपड़े फाड़े। ये लिखती तो नहीं महाराज जी ने बदलिया हजूर ने, पर श्री मुख तो ये वाक कहे तो तुरक पठानी अमल गया। ये वाक महाराज जी ने कहे इतिहास विचों सत संगत जी ये गल्लां चक के कई नीले बाणे दे खिलाफ भी शब्द कह देंदे है, पर महाराज जी ने सानू सत्कार रंग दिते है जिन्हां विच केसरी रंग आउंदा है, फिर नीला रंग आउंदा है, फिर चिट्टा रंग है ते काला रंग है। होर सादे रंग पहने जा सकते हैं, चमकीले पड़कीले जिहड़े वकारां नूं पैदा करन वाले वह रंग नहीं पहरने चाहिए। फिर महाराज जी दे बचन ने कि सूहा पहन लए नसवार, कह गोबिंद सिंह जम करे खुआर। सूहा रंग नहीं पहरना चाहिए। तो तर्क वाले पता की कहिंदे आ, कहिंदे फिर टमाटर सारे लाल है वह क्यों खाने हो, आ जिहड़े लाल फल ने सेब लाल हुंदे आ ये क्यों खाने हो। फिर तर्क करन वाले गुरुदेव ने कहा भई हरा रंग हैदरी मुसलमाना दा हुंदा है, ये नहीं मेरे खालसे नूं पहरना चाहीदा। कहिंदे सब्जियां सारियां हरियां है क्यों खाने, तर्क करदे ना। अजकल समां तर्क दा बड़ा, दलील ते गल करदे पर नहीं जानदे कि दलील तो वड्डी शरदा हुंदी है। शरदा दे अगे कोई दलील कोई तर्क नहीं टिकदी। सतसंगत जी, गुरुदेव ने सानू हरियां सब्जियां खाण तो मने नहीं कीता, लाल टमाटर खाण तो मने नहीं कीता। रंग जिहड़े कौमां दी निशानी हुंदे है, एक कौम दा प्रतीक हुंदे है। कदे तुसी गुरुद्वारे साहब दा लाल निशान वेख्या, मंदरां दा तां वेख्या हो, पर जिहड़े इस गल दे अंदर लुकवां वार करदे आ ना पंथ उत्ते, वो यही इच्छा करते हैं भी लाल ही निशान साहब चुला देना चाहिए। भी वेखो महाराज क्या रंग सभे नारायण है, जेते मन पावन। गुरबाणी के अर्थ भी अपने तरीके करते हैं कि जिमें असी बहुत विद्वान होंने। सतसंगत जी, सतगुरु जी किसी रंग के विरोधी नहीं। गरीब नवाज जिन्हां सतगुरां दा सानू ये उपदेश है कि नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला, वो किसे रंग दी बाबत सानू किवें विरोध करना सिखा सकदे है। पर महाराज ने अपने कौम दे अंदर कौम दा जज्बा भी भरिया है, कौम दे अंदर कौमियत भरी है। केसरी निशान वास्ते, उस रंग वास्ते साडा इतिहास है कि साढ़े पुरखे अपना सिर भी ला दिते ते निशान साहिब दी आन ते शान नूं कायम रखिया। नीले वस्त्र दा भी निशान झुल सकदा है, नीले रंग दीयां दस्तारां सजाईयां जांदियां हन, सत्कारत रंग है। जिहड़े सतसंगत जी सतोगुणी साधु हुंदे आ उह चिट्टे वस्त्र भी पहरदे आ। आवाज नूं इक थाई सैट कर दिओ, तो चिट्टे रंग दी दस्तार बंधदे आ। इउं जिहड़े सत्कारत रंग हन, जिवें साडा चिट्टा कछहरा कदे नीला कछहरा नहीं पहरदे, कदे केसरी कछहरा नहीं पहरदे। रंगां नूं भी सतगुरां जी ने सत्कार दिता है। इहदा मतलब यह ना समझना भी रंग दस दिते सी ते चलो कछहरा भी फिर नीले रंग दा ही पा लीए, इस तरह नहीं करीदा। जिथे सतगुरां सानू आग्या कीती है ये सत्कार तो रंग दिते है, केसरी दुमाले नीले दुमाले ते चोले पहरे जा सकते हैं। सत्कार करना इन्हां रंगां दा क्योंकि साढ़े कौम की कौमियत नूं प्रगट करदे है। गुरु घरां दे अंदर इन्हां रंगां दे निशान झूलदे है। तो सतसंगत जी, महाराज जी ने मने इस करके कीता
कि अपनी कौम की निशानी तो तुहानू पता होवे ते सूहे रंग पैर करके गाड़ियां दस्तारा वो नाभी माफ करना गुस्सा ना करो ते वो सूहा रंग जेड़ा हुंदा है ना उनु पैर के ते दिखावा जेड़ा मन दे अंदर आउंदा है कि मैनू को वेखे जे तुसी भेख बना करके कोई दिखावा करोगे ते दूसरे नू दिखावोगे उदे नल तुहानू वाहिगुरु की प्रीत नहीं मिलेगी। इस करके महाराज जी कहिंदे भाई जिहड़े दिखावे च पै जांदे आ नसवारा लैंदे आ नशे आदिक सेवन करदे आ उन्हां नू फिर जामी खुआर करूगा। कौम दा जिहड़ा बख्शिया होया है उच्चा आचरण है रंगा नाल उन्हां दा साध संगत जी चिन्ह प्रगट हुंदा है सिख नू वेख के दूरों ही पहचान लैंदे आ केसरी दुमाला है नीला दुमाला है। तो ये भाई मान सिंह जी ने नीले रंग की जिहड़ी बख्शिश है वह सतगुरां तो लई है। महाराज जी ने फिर खुश हो करके बख्शिश कर दिती क्योंकि सतगुरु जदों उत्थों तुरे है ये साध संगत जी महाराज जी ने उच्चदा पीर ही क्यों बने सचमुच गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज उच्चदे ही पीर ने क्योंकि ये पीरां दी एक जाति है अज भी मुसलमानां दे अंदर उन्हां दे अंदर गुरु नानक साहब जी महाराज नूं अपना पीर मन्निया जांदा है। गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज इसे करके ही उच्चदे पीर बने सच्चे पातशाह ते नील वस्त्र महाराज जी ने उस समय धारण किए सी माछीवाड़े सतगुरां जी का पावन अस्थान जिथे बिरद माता ने सतगुरां जी नूं लिया करके वस्त्र भेट किया जदों सतगुरु जी गरीब नवाज कुरुक्षेत्र आए सी ना उदों महाराज मुड़दे चमकौर साहब रुके सी महाराज ते माछीवाड़े तो बिरद माता महाराज वास्ते वस्त्र लैके आई सी उदों ते कोई इहो जिहा माहौल नहीं सी अजे बनिया। जदों इन वस्त्र भेट किया तो महाराज ने आख्या सी कि माता तू अपने नगर चली जा असी आवांगे कदे वस्त्र अपना आप मंग के लवांगे। माछीवाड़े सतगुरु जदों फिर गुलाबे मसंद दे घरों तैयारी कीती उदों महाराज ने आख्या जाओ उस माता नू लियाओ उन फिर वस्त्र महाराज जी नू भेट किया। सतगुरु जी ने कहा इनू नीला रंग रंगा दिओ वो मटियां अज भी हन उत्थे। ललारी कहिंदा है अजे तो रंग घोलिया इनू चार दिन लग जूगे उठन नू फिर किते मैं इनू रंग सकांगा। आके महाराज नू दसिया सतगुरु कहिंदे उनू कहो मट दा ढक्कण तां खोले रंग तां उठिया पिया। जदों उन वेख्या हैरान हो गया रंग घोलिया तो उसे वेले उठ भी पिया वो क्योंकि घोल के रखना पैंदा थोड़ा चिर। सतगुरु जी नू वह वस्त्र भेट किया सी जिहड़ा महाराज फिर इत्थे आ के साध संगत जी अग्न भेट किया ते महाराज ने वाक कहे अपने श्री मुख तो कि नील वस्त्र ले कपड़े फाड़े तुरक पठानी अमल गया। इस सतगुरां जी दे कहे वाक ते भाई कौल सिंह ने शंका कीती है विपरै पठी आप तुक एहू महाराज आप जी ने ये तुक जड़ी ना विपरै उल्ट पढ़ दिती है। एक कौल राय भाई कौल सिंह कहिंदा है श्री नानक को बाक अमेट गुरु नानक साहब जी दा बचन ता अमेट है मिट नहीं सकदा कोई न मोर है महा सहेट ते कोई नहीं मोड़ सकदा भावे किड़ा कोई शक्ति वाला होवे गुरु नानक साहब दे बचन नू कोई मोड़ नहीं सकदा। ते कौल सिंह सज गया है कौल सिंह कमाई करेगा तो पता लगना है ना कि गुरु नानक साहब आप ही खुद हैं। सतगुरु गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी की दस रूपा में उही जोत वरती है गरीब नवाज जी की। ये तो जिहड़े सिख शरदा करते हैं प्रेम करते हैं शब्द की कमाई करते उन्होंने इस गल का अनुभव हो जाता है। बाबा पिरथी चंद जी गुरु साहब के सपुत्र होए पर साध संगत जी मन दे अंदर कदे गुरु साहब दे उपर श्रद्धा ना आई। गुरियाई नू ऐसो इशरत दा साधन जान के प्राप्त करन वास्ते जतन करदे रहे
पुत्र मेहरबान भी अगों इसे जतन च लगा रहा कि कौल राय सोढ़ी ने सतगुरां दे चरनी लग करके माफ़ी मंगी ते साध संगत जी माफ़ी राम राय ने भी मंग ली सी क्योंकि गुरु साहब दे प्रताप अगे सब कुछ चुक गया सी। जिड्डी वड्डी कुरबानी गुरदेव ने दिती है सब नू पता लग गया सी कि असी इस राह नहीं लंघ सकते। जदों महाराज पौंटा साहब गए सी ना ते राम राय ने सुनेहा घल्लिया सी महाराज मैं आप जी दे दर्शन करने चाहुंना है। हजूर ने फिर आग्या कीती भी जदों मर्जी साढ़े कोल आ सकदा है। सुनेहा घल्लिया महाराज मसंदा करके मैनू शर्म आउंदी है क्योंकि कई वारी ना बंदा सीधे राह चलना चाहुंदा चेले नहीं चलन दिंदे। चेले कहिंदे साडी लहाई हुंदी असी तैनूं पूरा ब्रह्म ज्ञानी बना के प्रगट कीता हुण किसी दे सामने झुके साडी बेइज्जती हुंदी है। राम राय दे सारे उहदे मसंद उह नहीं सी चाहुंदे कि राम राय गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी नूं मिले पर राम राय दा दिल पुकारदा सी कि गुरु की शरण विच चले जावां। आखिर फिर राम राय ने बेनती की महाराज मैं इकल्या मिलना चाहुंदा। हजूर कहिंदे अच्छा ते इकल्या मिल लांगे। जमुना दे एक कंडे तो गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज की नदी दे अंदर बेड़ी पई उधरों राम राय की बेड़ी पई नदी दे विचकार जदों बेड़ियां कठियां हुईयां राम राय सतगुरां दे बेड़े ते चढ़िया जदों दोवें हथ जोड़ के महाराज के चरणों ते मत्था टेकिया। राम राय नूं मत्था टेकदिया वेख करके जिहड़े उहदे मसंद सी उन्होंने साहिब नूं पिठ दे दित्ती कि साढ़े इस गुरु ने गुरु महाराज के चरणों ते मत्था टेक दिता है। साध संगत जी चेते रखना राम राय बख्शिया गया सी पर राम राइए नहीं सी बख्शे गए उन्होंने गुरु साहब नूं पिठ कर ली सी। इउं सच्चे पातशाह दे जिहड़ा चरणी चरणा में आ करके लग्या है जिहड़ा शरण पै गया है गुरुदेव ने यही आग्या रैत विच कीती है कि जिहड़ा भी शरण आ जावे खालसे दा धर्म है कि शरण आए नूं बख्श लैणा माफ कर देना। ये कौल राय सतगुरां जी दे उपर अमृत छकिया होया महाराज दे कोलों शंका करदा होया पुछदा कि गुरु साहिब दे बचन तां अमेट हन किवें मिट सकदे ने। बिपरै पठे चार हूं वर्ण ते चारे ही अखर महाराज तुसीं बिपरै उल्ट कथन कर दिते आ कह दिते आ। श्री हर राय सुने जब करण जदों गुरु हर राय साहिब जी महाराज ने सुनिया सी ना अपने कन्नां नाल के साडे पुत्र राम राय ने गुरबाणी दे अखर जिहड़े सी ना मिट्टी मुसलमान की दी थां ते की कहा सी मिट्टी बेईमान की। हालांकि जो कहिंदे सत हो जाना सी की नहीं करा माता इत्थे बाबा राम राय जी ने वरताइयां बड़ियां 72 प्रमुख ने बड़े बड़े उन्होंने जिहड़े सी ना कसवटियां लाईयां सीगियां मैं किन्नियां कदा जिक्र करा। खूह दे उत्ते कानियां दे आसरे पलंगा डाहता सी ते काजी सोचदे सी कि अज बादशाह इत्थे दीवान ला ते गुरु पुत्र नूं उत्ते बिठा ते विच खूह दे गरक के आपे मर जावेगा ते बाबा राम राय जी ऐं बैठ गए उहदे उत्ते जाके जिवें जमीन ते ही तख्त लगा हुंदा है। कानियां दे आसरे भी उपलंगा हिलिया तक नहीं दिने रात पा करके दिखा दित्ती। फिर उन्हां काजियां ने इन्ना षड्यंत्र रचिया गुरु पुत्र दे बैठण दा जिथे आसन सी उत्थे थले बाणी लिखती रूप च रख दित्ती क्योंकि उह सोचदे सी कि बाणी दा निरादर करेगा शक्ति घट जाएगी। बाबा राम राय जी उस दिन पलंगे ते नहीं बैठे। बादशाह कहिंदा औरंगजेब कि तुसी अज आसन क्यों नहीं ग्रहण करदे कहिंदे अज साडे सतगुरां दी बाणी इस आसन दे थले छपा दित्ती जाण गए। पर जदों मुलानिया ने बादशाह औरंगजेब नूं कहा वेखो मुसलमानां दी तोहीन कीती है इस्लाम दी निरादरी कीती है ते उस समय महाराज जी ने जिहड़ा सावधान कीता सी ना कि बादशाह दे जबे थले ना आ जावी बाबा राम राय जी नूं उस समय घबराहट हो गई। कहा नहीं बादशाह उह तां मिट्टी बेईमान की कहा दिल्ली दी सिख सिख संगत ने गुरु हर राय साहिब जी नूं आखिया सी महाराज आपदे पुत्र ने बाणी उलटा दित्ती है
सतगुरु जी ने फिर जेडे वाक कहे उन्हां दा जिक्र कौल राय इत्थे करदा है। राम राय को त्याग्यो ऐसे, राम राय अपने पुत्र नु गुरु हर राय साहिब जी महाराज इस तरह त्याग दिता। निज मुख लगन ना दीनस कैसे, किसे प्रकार भी अपने मथे नहीं लगन दिता, अपने मुख नहीं लगन दिता। नह बैठाइस गुरता गादी, गुरता गद्दी दे उपर नहीं बिठाया अपने पुत्र राम राय नु। श्री हर कृष्ण भए अहलादी, धन गुरु हर कृष्ण साहब सच्चे पातशाह महाराज खुशियां दे देण वाले गुरियाई दे मालक होए। तुमने सगरी तुक उल्टाई, ते महाराज राम राय ने ता चार अखर पलटाए सी, तुसी ता महाराज सारी तुक ही पलटाती है। एक कौल सिंह महाराज जी नु कहिंदा, महाराज तुसा ता सारी तुक ही पलटा दित्ती है। एम अनुचित हम सह ना सकाई, महाराज ए अनुचित अयोग गल है, ए मेरे कोलों सहारी नहीं जांदी है। सुनकर कृपा निदान बखाना, कृपा दे घर गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज कौल सिंह दी बेनती सुन के हजूर कहन लगे। राम राय कहबो जग जाना, महाराज कहंदे कौल सिंह जेड़ा राम राय दा कहना सी ना, ओ सारा जगत जानदा है कि ओदे पिछे भेद की सी, क्यों उसने ए आख्या सी। करन तुरकड़े हेत खुशामद, तुरक नरंगे दी खुशामद करन वास्ते आख्या सी राम राय, खुशामद कीती सी कि बादशाह नाल मेरा प्रेम बनिया रवे, रस बनिया रवे। जदों धर्मी कोई बंदा राजनीतिक नाल रस रखण दी कोशिश करदा, उदों ही धर्म नूं हानि हुंदी है, उदों ही धर्म नूं ठेस पहुँचदी है। महाराज जी कहिंदे उहदे पिछे राज की सी, कारण की सी, सब संसार जाणदा है कि उस तुरक जलम नरंगे की खुशामद करन लई राम राय ने पंक्ति पलट दित्ती सी। हर खावन जिसते बहु आमद, ते जिदे खुश करन लई बहुत ज्यादा यतन कीते सन। सतगुर की तुक तिन उल्टाई, उसने जदो सतगुरु जी दी बाणी दी ए पंक्ति दा शब्द उल्टाया सी। भई सजाए ना गुरता पाई, महाराज कहंदे तां ए सजा होई ते ना ही ओनू गुरियाई तख्त प्राप्त होया। हम तो इस तुक हित उल्टावन, महाराज कहंदे असी इस तुक नू उल्टाउन वास्ते सकल समिगरी कीन लुटावन, सारा कुछ ही लुटा दिता है सच्चे पातशाह। महाराज कहंदे है असी तुरकां दा तेज प्रताप नाश करना सी, इस करके महाराज कहिंदे असी जिहड़ा है जबानी रूप विच शब्द कह दित्ते है कि नील वस्त्र ले कपड़े फाड़े, तुरक पठाणी अमल गया, भी हुण तुरकां दा अमल चलिया गया है, हुण नहीं ये प्रताप रहेगा, हुण नहीं ये राज रहेगा। महाराज कहिंदे इस नूं बदलन वास्ते असी ता अपना सब कुछ लुटा दिता है। चारों पूत दिए इस काजू, इस कार्ज वास्ते तुरकां दे तेज प्रताप नू, जुलम राज नू नाश करन वास्ते अपने सरबंस नू ही वार दिता है। कौन गिने सब सदन समाजू, महाराज कहंदे कौन गिन सकदा है साडे घर दा इन्ना साजो समान, ते जो समग्री सब असी वार दित्ती है। नाश करियो सरबंस समेते, सारे सरबंस समेत ही असी अपना सब कुछ महाराज कहंदे वार दिता है। आप भी नह उलटावन देते, ते अजे भी तुरकां दे इस तेज प्रताप नू नाश करन वास्ते सानू ये पंक्ति नहीं तुसी कौल सिंह उलटाउन दिंदे। महाराज कहिंदे भावें असी ये बचन गुरु महाराज गुरु नानक साहब ने पहले सरूप विच कहे है, महाराज कहिंदे हुण असी इन्हां बचनां नूं तुरकां दा राज तेज प्रताप सब नाश करन वास्ते महाराज कहिंदे अपना सब कुछ वार करके बदल दिता है। श्री बाबा नानक बच भाखा, धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जाहर पीर जगत गुर बाबा, बाबा शब्द गुरु नानक साहब जी महाराज नाल ही लगता है। भाई गुरदास साहब जी ने बाबा शब्द गुरु नानक साहब के नाम नाल वरत्या है, जो सतगुरां जी ने यह बचन अपने श्री कंठ तो कहा है। भयो विदत जग मह सब लाखा, महाराज कहिंदे प्रगट है ते सारे ही इस बचन नू लाखा लखदे है, भाव जानदे है कि गुरु नानक साहब जी दे ए अमर वाक हन। मुगल पठान राज कल काला, महाराज कहिंदे कलयुग दे समें दे अंदर मुगलां ते पठाणां दा राज है।
सब अवनी मह तेज विशाला सारी धरती दे उते इन्हां दा बड़ा वड्डा जो तेज प्रताप है कहियो बाक तिनको अब फेरा महाराज कहिंदे आ हुण असीं किहा होया वाक जिहड़ा ना उह फेर दित्ता है क्योंकि तुरकां दा राज प्रताप नहीं रहण देंगे। बाबर ने सतगुरां जी दे कोलों मंगिया सी ना ते महाराज जी ने कहा सी राज धर्म दा करोगे ते राज रहेगा जे जुल्म करोगे ते सीस दे के राज लै लवांगे। ये महाराज सच्चे पातशाह जी ने वाक कहे सी। गरीब नवाज कहिंदे हुण उह कहे होए वाक असी क्योंकि साध संगत जी गुरु बाबा जी दा किहा होया ये बचन ते सतगुरु जी ने आप ही तत्ती तवी ते चौंकड़ा लाया फिर आप ही महाराज जी ने फिर अपने शीश दा बलिदान दिता। सच्चे पातशाह महाराज ने इन्नियां कुर्बानियां दे करके जदों साहबजादियां दी शहादत दी खबर सुनी सी उदों गुरुदेव ने कहा सी कि मुगल साम्राज दी जड़ पुट्टी गई है साडे साहबजादियां कुर्बानी दे करके इस राज प्रताप नूं नाश कर दिता है। महाराज जी कहिंदे ओह बचन हुण असीं इस करके क्योंकि पहले सरूप विच आखिया ही सीगा कि जे करके धर्म ना कमाओगे जुल्म करोगे राज पलट देंगे ते इस धरती दे उत्ते इस हिंदुस्तान की सरजमीं दे उत्ते एड्डी वड्डी मुगलिया सल्तनत। औरंगजेब दे समें दा हिंदुस्तान बहुत वड्डा सी अफगानिस्तान भी इस दियां हद्दां दे अंदर हुंदा सीगा एडा वड्डा ये देश सीगा एड्डी वड्डी इस दी ताकत सी किधर चली गई सारी। गुरुदेव ने अपनी शहादत दे करके सब कुछ इसका नाश कर दिता। इतों के दिल्ली के अंदर ही इन्हां दीयां बनियां होईयां इमारतां दसदियां ने किड्डी मजबूत मुगलिया हकूमत सी पर उसका कख भी नहीं रहा नगार बंद ना रहा उन्हां दीयां वंशां रुल गईयां। ये सच्चे पातशाह जी महाराज की कुरबानी का सदका है। गुरुदेव ने कहा सी अपने कहे हुए बचन नु बदल दिता है जिस ते तुरकन मूल उखेरा जिस करके असी तुरकां दा मोढ़ी पट सिटिया है राखी हिंदुन की वडियाई महाराज कहिंदे हिंदू कौम दी वडियाई रख ली है तिलक ते जन्यू दी खातर सतगुरु जी कहिंदे साडे पिता जी ने बलिदान दिता। गरीब नवाज सतगुरु जी कुरबानी ना कर दे ता साध संगत जी इस थान दे उत्ते कदे भी मंदरां विच टल ना सी खड़कणे कोई किसे प्रकार पूजा ना सी आजादी नाल कर सकदा। ये तां गुरुदेव ने इन्हां निमाणियां ते नताणियां नूं सिर उठा के जिउण दी शक्ति दित्ती है अणख ते गैरत नाल जिउण दी दात दित्ती है ते भुल जांदे है कि जिन्हां सतगुरां ने सानूं सिर उठा के जिउण दी दात बख्शी है उन्हां दी उम्मत विच किन्नी अणख ते गैरत होऊगी। गुरुदेव की एक कीती हुई बख्शिश लहू दे कण जाग पेंदे अंदर ये साध संगत जी जिहड़ी लहू दे अंदर ये जिहड़ी हुंदी है ना चीज़ आपां इस नूं थोड़ा जिहा नॉर्मली सोचदे हां पर जिहड़ियां देशां दीयां हकूमतां ना वो बहुत डीपली बड़ा डूंघा इस नूं विचारदे आ सोचदे आ। अमेरिका दे इतिहास विच कहा जांदा है कि जिस दे किते प्यो दादे ने पड़दादे ने देश नाल गदारी कीती होवे ना उहदी वंश विच किसे नूं फौज दा अहम अहुदा नहीं मिलदा कदे भी अहम अहुदा नहीं मिलदा ते जिस ने देश नाल बहुत ज़्यादा वफादारी निभाई है उस नूं ये अहम अहुदे जिहड़े प्राप्त हुंदे है। जदों वजीद खान ने भी गुरु महाराज के पिछे भेजिया सी ना तो उसने गुल खां ही क्यों चुनिया क्योंकि उहदा दादा गुरु हरगोबिंद साहब ने मारिया सी ना ते वह पेंदे खान विच की तत सी उहदे खून विच गदारी दे गुरु साहब ने जिन्हां हत्थां नाल ग्राहियां दित्तियां सी उन्हां ही सतगुरां दे हत्थां नूं कट्टण वास्ते आ गया सी पेंदे खान चढ़ के भावें कि मरन लग्यां उसने कहा सी महाराज आपकी वजी हुई श्री साहिब ही मेरा कलमा है पर वह निमक हरामी दे कण अंदर जाग पैंदे है ते तां ही गुल खां सतगुरु जी का पिछा करदा नंदेड़ की धरती ते पुज्जा सी
गरीब नवाज सचे पातशाह महाराज जी कहिंदे आ कौल राय नूं कि कौल राय असी अपने कहे हुए वाक नूं अपने सरबंस की कुरबानी दे करके पलट दिता है। तुरकां दीआं जड़ां नाश कर दित्तियां हन, राज भाग सब खत्म कर दिता है। भायो धर्म थिर कई अहो ना जाई। महाराज कहिंदे हुण धर्म टकाया है, किसी प्रकार नाश नहीं होवेगा, धर्म नूं सथिर कीता है। महाराज ने कहा ही सी ना अपनी कलम दे नाल, हम एह काज जगत मो आए, धर्म हेत गुरुदेव पठाए, यही काज धरा हम जनमंग, समझ लिहो साधु सम मनमंग, धर्म चलावन संत उबारन, दुष्ट सबन को मूल उपारन। महाराज कहिंदे धर्म नूं अस्थित कीता है। पंथ खालसा उत्पत होवा। खालसा पंथ जिहड़ा हुण उत्पन्न हो चुका है, सिरजिया है। महाराज कहिंदे पंथ खालसा अकाल पुरख वाहिगुरु दी आग्या नाल तुरक प्रताप उलट बच खोवा। ते तुरकां दे प्रताप दा जिहड़ा महाराज कहिंदे बचन सी ना, उल्टा करके असी इन्हां दा प्रताप खो दित्ता, नाश कर दित्ता है। एह तुम कहो भली कै बुरी। महाराज कहिंदे दस पई कौल सिंह भली गल है के जां बुरी है। महाराज फिर पुछदे आ दस करके। सुनत कौल तब तूषण धरी। ते कौल सिंह जिहड़ा सी ते समय सुन करके चुप कर गया। पर पूर्व सब हृदय विचारियो। ते अगला पिछला हाल जिहड़ा सारा सी ना अपने हिरदे विच ते समय सोचण लगा। इनो यथारथ बाक उचारियो। के सतगुरु जी ने यथार्थ योग बचन कहा है। मन विच सोचन लगा भी गल तां महाराज सही कह रहे है, पर उपकार हेत कृत ऐसे। पर उपकार वास्ते महाराज जी ने ऐसी कृत कीती है। कौन सह संकट इम ऐसे। ते एहो जे संकट, एहो जे दुख, जेहो जे सतगुरां सहारे है, कौन सह सकदा है। कोई मनुख अपने शरीर दे उत्ते, अपने मन दे उत्ते एहो जे कष्ट नहीं सहार सकदा, जदों उसका परिवार भी कोल ना होवे, अखां दे सामने परिवार वारिया होवे। साध संगत जी, जदों पुत्र अखां दे सामने बेरा बेरा हुंदा है ना, कोई भी भावें किन्नी क शक्ति रखदा, भावें किन्ना कमजोर होवे, अपने पुत्र दे सामने आउंदी होई मौत वास्ते वह पुत्र दा थां आप मल लैंदा है। पर धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज जी ने जदों बाबा अजीत सिंह साहब जी नूं महाराज जी ने चमकौर साहब की गढ़ी तो तोरिया सी, इतिहास ने कहा कि बाबा अजीत सिंह साहब आप आके गुरु पिता जी नूं फतेह बुलाई सी। महाराज ममटी विच वीर आसन लाया होया सी सच्चे पातशाह ने। महाराज पुछदे आओ पुत्र अजीत सिंह किवें आए हो। पिता जी मैनू जंग विच जाण दी आग्या बख्शो, आप जी तो आग्या लैण वास्ते आया हाँ। गुरुदेव वीर आसन छड के खलो गए सच्चे पातशाह। हजूर ने उस समय कंठ लाया ते मत्था चुम्मिया। महाराज जी ने आख्या पुत्र अजीत सिंह ते क्षत्री पुणे दे धर्म नूं पालिया है, जे साडे कोलों सच पुछे तां असी इसे दिन वास्ते तेनू सांभ के रखिया। गरीब नवाज सतगुरु जी कहिंदे ने कि बेटा अजीत सिंह एहो जिहा पुरशार्थ कर कि तेरी कुरबानी नूं जिहड़ा भी सुनेगा पढ़ेगा वह गुलामी दीआं जंजीरां तोड़ के आज़ाद हो जाएगा। एहो जिहा पुरशार्थ कर कि तेरी शहादत नाल धर्म दे चप्पू एहो जे ला कि ये नैया जिहड़ी है ना अपने कंढे ते पहुँच जावे। गुरुदेव ने बख्शिश भरे बोल कहे सी, असी वेखांगे अज तेनू जिहड़ी शस्त्र विद्या सिखाई आ वह किहो जी पकाई है। बाबा अजीत सिंह साहब जी की छाती विच वजदियां गोलियां गुरुदेव ने आप वेखियां, अंग अंग नूं तीर विन गए सी। जदों 500 फट खा के बाबा अजीत सिंह साहब मूँह परने चमकौर साहब की धरती ते डिगे सी, गुरुदेव ने अपनी रसना तो जकारा छड़िया सी। सच्चे पातशाह जी ने उस वक्त का जिक्र जिहड़ा अपने मन विच सोच करके कौल सिंह सोचता है कि इदा पुत्र नहीं वारे जा सकते, मना सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब के उत्ते शंका ना कर, ये साहिब गुरु नानक साहब जी का स्वरूप हैं सच्चे पातशाह।
गरीब नवाज जो चाहुण कर सकते हैं। सतगुरु की रीस साध संगत जी कोई सिख नहीं कर सकता। जे कोई सिख कहे कि महाराज इउं बचन पलट दिता तो महाराज जी ने किन्निया कुर्बानियां दे करके बचन पलटिया है। वो भी महाराज जी ने जबानी रूप विच कहा पढ़ते तो आसा की वार विच असी उवें ही हाँ, पर सतगुरु जी ने उत्थे वाक कहे कि मुगलों का तेज प्रताप नाश करन असी ये बचन कहे है। तो कौल सिंह मन में सोचता है कि एड्डी वड्डी कुरबानी सतगुरु तो बिना कोई कर नहीं सकता, ये महाराज नूं ही बन आउंदी है। सब सुत हतन समाज लुटावन, सारे पुत्र शहीद हो गए, सारा कुछ लुट गया। गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी जदों चमकौर साहब की गढ़ी तो तुरे सी, महाराज के शीश ते उस समय कलगी तोड़ा सोभ रहा सी। हजूर दे पाई हुई शाही पोशाक फब रही सी। महाराज जी ने चमकौर साहब की गढ़ी तो तुरन लग्या वो शाही कलगी तोड़ा साहब भी अपने खालसे दे शीश ते सजा दिता। वो शाही पोशाक भी महाराज जी ने अपने खालसे नूं पहना दिती। पंजां प्यारियां दी परिक्रमा करके महाराज ने पंथ नूं गुरियाई चमकौर साहब की गढ़ी दे अंदर बख्शिश की। आप सतगुरु जी फकीरां वांग सच्चे पातशाह जी चमकौर साहब की गढ़ी तो तुरे सी, सब कुछ ही लुटा दिता। कोई भी चीज़ महाराज सच्चे पातशाह ने एहो जी लुका के नहीं रखी जिथे इन्ने अनमोल अपने हीरे पुत्र महाराज जी ने वार दिते उत्थे होर की लुकाउणा सी सच्चे पातशाह ने। आनंदपुर साहब सारे सुख छड़ दिते, अपना महाराज जी ने साध संगत जी एडा वड्डा सुख आराम त्याग करके एडिया कुरबानिया नू सच्चे पातशाह ने खिड़े मत्थे सहारिया। कौल सिंह मन विच सोचता है कि पूरे गुरुदेव तो बिना ये ऐसी कुरबानी कोई नहीं कर सकता। कौन करे एतो दुख पावन, कौन कर सकता एडी कुरबानी, इन्ने दुख कौन सहार सकता है। किसी मनुख नू एहो जे दुख लगन तो पागल हो जाए। तो सतगुरु जी ने नरंगे नू लिखिया सी, नरंगिया तू मेरे चार पुत्र शहीद कर दिते है, सोचदा होवेंगा कि तू मैनू बहुत ज़्यादा कमजोर कर लिया, चेते रखी मेरा जिहड़ा पुत्र है ना खालसा कुंडलिया सप अजे जिउंदा है। ये सतगुरु जी ने अपने खालसे दे प्रथाएं शब्द कहे सी। गरीब नवाज सच्चे पातशाह ने एडी कुरबानी कोई नहीं कर सकता जिहो जी गुरुदेव ने कीती है। अपना सरबंस सतगुरु जी ने वारिया है। एह बार बीर तीर बड़ धारी, फिर कौल सिंह सोच रहा है कि बड़े बली बहादुर सूरमे ने धीरज धारी हन साहिब गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी महाराज। दे सरबंस प्रीत नह हारी, दे दिता है अपना सरबंस सारा ही पंथ वास्ते धर्म वास्ते, पर धर्म की प्रीत नहीं हारी गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी ने। महाराज जी नूं जिथे जिथे भी कोई मिलन आया दुखी बंदा साध संगत जी कदे लोग उतों गल्लां भी सुनाउण आ के तरह तरह दीआं गल्लां करन। जदों महाराज रामेआणे गए सी माझे दा बड़ा वड्डा इकट्ठ गुरुदेव दे कोल आया सी, ते लीडर सारे इकट्ठे हो के गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज कोल अफसोस कीता, महाराज साहब जादे नहीं रहे, माता जी नहीं रहे, महाराज सानू बड़ा अफसोस है। सतगुरु जी कहिंदे वाहिगुरु दा हुक्म है, परमेश्वर दे हुक्म विच धर्म दी रक्षा करदिआं वीर गति नू प्राप्त होए आ, उहनां दा की मन अंदर रोश करना, की मन अंदर गम करना। इहनां ने सतगुरां जी नू कहा सी महाराज असीं विच पै के नुरंगे नाल तुहाडी सुलह करा दिंदे आ, महाराज जे इसे तरह रहोगे बड़ा औखा सिखी नहीं निभदी। जदों हकूमत उल्ट हुंदी है ना उदों फिर पता लगता भी सिक्खी किवें कमाई जांदी। सुखां वेले तां सारे ही महाराज नूं कहिंदे सी महाराज तुहाडे ही सिख हां, कहिंदे महाराज इस इहो जे दुख भरे समें च साडे कोलों सिक्खी नहीं निभदी, जे साडी मन्नो ना तां महाराज नुरंगे दे नाल असीं विच पै के तुहाडी सुलह करा दिंदे आ ते आनंदपुर साहिब नूं वापस मुड़ो, नाले महाराज इन्ना सुख उवें ही संगतां आउणगीआं दीवान लगणगे। फिर महाराज गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज जी नूं कोई दुख थोड़ो सी, सतगुरु जी ने इस संसार नूं एक खेल जाणिया, क्योंकि महाराज जी कहिंदे ने मैं हूँ परम पुरख को दस आ, देखने आयो जगत तमाशा।
सतगुरु जी ने उन्होंने फिर कहा महाराज कहते भी मैं सानू एक गल दसो सिख उपदेश देंदा हुंदा कि लेंदा हुंदा महाराज नू जो सिक्ख्या दे रहे सी भी असी विच पै के सुलह करा दिने हजूर नू सिक्ख्या दे रहे सी महाराज कहते भी सिख सिक्ख्या लेंदा कि दिंदा कहते महाराज लेंदा है फिर सतगुरु जी कहते तुसी सानू सिक्ख्या देण आ गए हैं जाओ सानू लोड़ नहीं तुहाडे कच्चे पिल्लियां दी फिर महाराज ने आख्या सी जदों साडे पिता जी ने चांदनी चौंक विच शीश दा बलिदान दिता सी उदों तुसी सुलह कराउण वाले हो कित्थे मर गए सी जदों साडे साहबजादियां नू सरहंद दीआं नीहां विच शहीद किया गया चमकौर साहब की कच्ची गढ़ी विच साडे जान तो प्यारे सिंह साडे साहबजादे शहीद होए उदों तुसी सुलह कराउण वाले हो कित्थे गए सी अज तुसी सुलह कराउण आ गए क्योंकि कई विच चिमचे हुंदे आ जिहड़े धर्मियां नू राजनीतिकां दे नाल जोड़ना चाहुंदे हुंदे आ कई फिर जिहड़े धर्मी गुरुदेव दा इतिहास नहीं पढ़दे डोल जांदे जिहड़े सतगुरु दा इतिहास पढ़दे आ ना धर्मी मनुख वास्ते धर्म तो बिना साध संगत जी नरकी ही है जे धर्म छड़ दिता तो उहदे पल्ले कख नहीं रहिंदा सतगुरु गरीब नवाज सच्चे पातशाह महाराज जी ने उहनां नू जदों ये शब्द कहे सी कहिंदे सिखी नहीं निभदी महाराज कहिंदे लिख के दे दिओ सानू लिख के दे दिता सी जिहड़ा भाई महां सिंह ते माता भाग कौर जी ने बदावा पड़ाया सी सच्चे पातशाह तो गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी वर्गी कुरबानी कौन कर सकता है ये कौल सिंह अपने मन में सोचता होया सतगुरां दे अनुयाई होया शीश चरणा ते धर दिता है तुरकां दा वड्डा जिहड़ा ब्रिक्ष लगा होया सी इस सरजमीन दे उत्ते महाराज ने जड़ां दे समेत ही पुट दिता जिन पातशाहत जगत संभारी जिन्हां ने इस सारे हिंदुस्तान दे अंदर पातशाहत नू सांभिया होया सी एडे वड्डे वड्डे नवाब इन्ना तहत बिठाया होया सी ये चक्रवर्ती बादशाह खवाउंदा सी औरंगजेब जिन्ने राजपूत राजे सी सारे दे मतहत सन इनकी कृत सो इनहू बनै ते कौल सिंह सोचदा कि सतगुरु जी दी करनी सतगुरु जी नूं ही बणदी है महाराज वर्गी कुरबानी कोई नहीं कर सकदा धन होन जग मह इन भनै ते इन्हां दा जगत दे अंदर जो कुछ इन्हां ने कीता है वह धनता दे योग है इवें कौल राय अपने कौल सिंह मुख तो कहिंदा है सच्चे पातशाह जी दी बाबत कितनियां पंक्तियां रहियां पढ़ दिओ फिर इनकी कृत सो इनहू बनै पढ़ दिओ धन होन जग मह इन भनै ये अखीरलियां पंक्तियां ने इत्थे प्रसंग समाप्त होया ते समा भी समाप्त हो गया कौल राय कहिंदा है सतगुरु जी दी कृत सतगुरु नूं बण आउंदी है महाराज जी वर्गी कोई कृत कर नहीं सकता पर सत संगत जी सिख उस मार्ग ते चलदे हुए गुरुदेव दे साहबजादे कुरबानी ना करदे ते सिखां दे अंदर हस करके मौत नूं गल लाउण दा जज्बा ना आउंदा साडा इतिहास जो सिखां ने कुरबानियां कीतियां ना जे भाई तारू सिंह साहब दा इतिहास है भाई मनी सिंह साहब दे बंद बंद छुड़ाए जाण दा इतिहास है ते गुरु के सिखां दे अगे सतगुरु दे साहबजादियां दी कुरबानी आ करके खलोंदी सी कि साहबजादियां ने इन्नी छोटी उम्र दे विच सरहंद दीआं नीहां विच खलो करके कहा सी कि सिर जावे तां जावे साडा सिखी सिदक ना जावे इह सतगुरु जी दे साहबजादियां ने एडा वड्डा लासानी इतिहास सिरजिआ धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज जी नूं धन ही कहना बाणा आउंदा है कौल सिंह कहिंदा महाराज तुसी धन हो सच्चे पातशाह तुसी धन हो गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज हजूर ने इनू अमृत दी दात दे करके अपने घर नाल सतगुरां ने जोड़ लिया सी महाराज सच्चे पातशाह जी ये जंगल देश विच विचरदे हुए सतगुरु जिवें हुण मुकतसर साहब पहुँचणगे सरहंदा सूबा पिछा करन लग पिया फौज लै के जिवें फिर युद्ध होवेगा इतिहास दे विच अगे आप जी सरवण करोगे तो सत संगत जी प्रसंग संपूर्ण हो गया तो सिंह कहिंदे है कि जिहड़े बच्चे कीर्तन करदे आ उह कहिंदे कि होर समां जे लाउणा चाहुंदे हो तो ला लो पर गल आ भी अगला प्रसंग शुरू होया तो तुसी थक जाणा इतिहास जिहड़ा ना
ये ता एक वगदी हुई गंगा है, ये ता समुंदर है। जदों कई बारी की हुंदा है, जदों बुलारे बोलदे हुंदे है ना, ते हरेक कोल लैक्चर हुंदा है अपना, ते वो फिर मुक ही जांदा है। जदों कोई प्रकरण बना करके बोलना तो वह तो फिर आखर मुकना ही है ना। पर जिहड़ी इतिहास की कथा है जां सतगुरु जी की पवित्र बाणी की लड़ीवार कथा है, ये तो फिर सुरन ते करन वाले थक जूगे, बाणी की कथा नहीं मुकदी, इतिहास की कथा नहीं मुकदी। ये एक समुंदर है, हौली हौली रोज़ रोज़ जदों तुसीं संगत करदे आ, रोज़ रोज़ मन परपक हुंदा है कि ओ ही है ना, ज़्यादा खा लीए दस्त लग जांदे, थोड़ा थोड़ा खाइए तो पचदा रहिंदा है, नाल ताकत दिंदा है। तो दिल तां तुहाडा करदा है वी बैठे कथा सुनी जाइए, पर समा उहदे वी अनुसारी रहना चाहीदा, समय दे अनुसारी रह करके आपां रोज़ रोज़ संगत करिया करिए। गुरु साहिब दा जो इतिहास है ना, इतिहास वो चीज़ हुंदी है जिवें मील पत्थर नहीं लग्या हुंदा सड़क दे उपर, ते तुसी तुरे जांदे जदों मील पत्थर नूं वेहने आ, ते वह मील पत्थर तुहानूं दसदा है कि जिथे तुसी जाना है वह मंजिल किन्नी दूर है। अजकल तां नैवीगेशनां ते पाया हुंदा सब कुछ, पर पहला मील पत्थर हुंदे सी, उहदा प्रमाण है, ते तुहाडी मंजिल दी निशानदेही करदा है वो कि तुसी जिथे जाना है वह किन्नी दूर है। ते जदों उहदे उल्टे पासे हो के तको तो फिर वह भी दसदा है कि जिथों तुर आए हो वह किन्नी दूर रह गया। इतिहास जिहड़ा है ना, कौमां दी शाह राग ते लगा होया मील पत्थर है। इतिहास दसदा है कि इस कौम ने कित्थों सफ़र आरंभ किया सी, ते अगे मंजिल की है इतिहास दसदा है। गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी महाराज ने जिहड़ा खालसा साजिया ना, खालसे शब्द दे अर्थ ही हुक्मरान हैं। खालसा जो महाराज जी ने साजिया ना, ये धर्म की स्थापति वास्ते साजिया है, सदा लई अन्याय नाल जुल्म नाल जंग करन वास्ते साज दिता है। गरीब दी, बच्चे दी, औरत दी, बजुर्ग दी, निमाणे दी रख्या करन वास्ते महाराज जी ने खालसा सिरज दिता है। ये साडा मंजिल दी निशानदेही इतिहास करदा है कि साडी मंजिल की है। कई बारी सानू लगदा है कि साडी मंजिल आ है जां फलानी चीज़ दी प्राप्ति है। साध संगत जी, साडी मंजिल जिथे राज प्राप्ति है उत्थे गुरु चरणा विच साध संगत जी परवान चढ़ जाना साडी जिहड़ा ना साडा लक्ष्य हुंदा है। जिवें कहिंदे आ ना कि जदों जहांगीरे दे मैदान विच युद्ध होण लगा सी, अकाली बाबा फूला सिंह साहिब जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब, ये जदों हुण ये नहीं, जदों आपां प्रशादा छकना हुंदा है तो फिर तो आगू आ, ते जदों मौत लाड़ी नूं विहाउणा हुंदा है ना उदों आगू बनना बड़ा औखा हुंदा। इस रण तत्ते विच जथेदार जी हाथी दी अंबारी विच असवार 2000 अकाली फौज जथेदार जी नाल रण तत्ते विच उतरी, ते महाराजे नूं किसे ने खबर दित्ती कि महाराजा साहिब अपना तोपखाना अजे बहुत लेट है, 2 दिन बाद पहुँचेगा, ते अकाली वीरां दी जिंदगी खतरे च ना पै जावे। ते शेरे पंजाब ने उसे समय अपना घोड़ा दौड़ा करके अकाली बाबा फूला सिंह साहिब दे हाथी नूं रोकिया। महावत ने हाथी रोक दिता, कौम दा बादशाह सामने खड़ा। शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह ने उस वक्त आख्या सी, जथेदार जी खबर मिली है कि साडे तोपखाना अजे समय सिर नहीं पहुँच सकेगा, ते मैं नहीं चाहुंदा कि अकाली वीरां दी जिंदगी खतरे विच पै जावे, सानू उडीक कर लैनी चाहीदी। उस समय जथेदार अकाली बाबा फूला सिंह साहब दे सामने की लक्ष्य सी, की शब्द कहे
जिहड़े अकाली जी ने उस समय शब्द कहे उन्हां दे आधार ते कौम जिउंदी है। साध संगत जी उस समय महाराजे नूं कहा अकाली जी ने, क्योंकि अरदासा सोधिया गया सी रण तत्ते विच उतरन दा, ते उस अरदास विच पंजां प्यारियां विच खुद महाराजा साहब भी शामिल सन, अकाली बाबा फूला सिंह साहब शामिल सन। अकाली जी ने उस वक्त कहा महाराजा तेनूं माण है अपने सिपाहियां दीआं बाहवां ते, तेनूं माण है अपने तोपखाने दे उत्ते, ते सिपाहियां ते फौज दे आसरे ते तू जंग जितण दी आस रखदा है। मैनूं सिपाहियां दीआं बाहां दे जां तोपखाने दा कोई आसरा नहीं, मैनूं आसरा केवल श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे चरणां विच कीती होई अरदास दा है। जे कीती होई अरदास नूं छड दित्ता, इस असूल नूं कट के कौम जिउंदी नहीं रह सकती। महाराजे ने कहा अकाली जी आप दी शहादत हो सकती है, कहिंदे जे मैनूं अपना सीस दे के भी इस असूल नूं कायम रखना पवे ते इह सस्ता सौदा कोई महंगा सौदा नहीं। ते साडा इतिहास गवाह है अकाली बाबा फूला सिंह साहब ने इस रण तत्ते विच शहादत पाई सी, वीर गति नूं प्राप्त होए सन। जदों फ्रंट मोर्चे ते अकाली जी शहीद हो गए सी ना, अकाली बाबा फूला सिंह साहब दे 7 गोलियां मत्थे विच आ के वज्जियां सी, लुके हुए खड्ड विच पठान ने वार कीता सी। जदों हाथी दी अंबारी च बैठे हुए जा रहे सन ते जथेदार अगवाही कर रहा सी, वह वक्त आया सी जदों अकाली जी घोड़े ते सवार हो के युद्ध कीता। फिर कहा कि तुरकां दे मोर्चियां विच वड़ के श्री साहब वाहणी आ घोड़े भी छड दित्ते सी, ते इहो जी श्री साहब वाही सी। अगे लड़दियां होयां नूं जदों ये गोलियां वज्जियां अकाली जी शहीद होए, उस समय जित दे निशान झूल चुके सी, खुशियां दे शादियाने वज्जण लगे, उच्ची उच्ची साज वज्जण लगे। जदों शेरे पंजाब जी नूं पता लगा कि अकाली बाबा फूला सिंह साहब जी शहीद हो गए है, महाराजे ने वजदे हुए खुशियां दे शादियाने बंद कर दिते। अकाली बाबा फूला सिंह साहब जी की शहादत ते साडी तवारीख कहिंदी आ महाराजा पुब्बा मार के रोया सी। अकाली जी का उत्थे बनिया होया अस्थान जदों अकाली जी की चिखा बली सी, महाराजे ने कहा सी ये अकाली बाबा फूला सिंह साहब की चिखा नहीं बल रही, ये खालसा राज की चिखा बल रही है, क्योंकि खालसा राज दे इहो जे थम सन जिन्हां ने खालसा राज नूं टका के रखिया होया सी। ये असूल हुंदे है, ये साध संगत जी उन्हां दे सामने धर्म का एक लक्ष्य हुंदा है जिस दे वास्ते वो अपना आपा कुरबान कर दिंदे है, क्योंकि शमा वल जाण वास्ते परवाने नूं कोई दिशा नहीं दसदा, परवाना आप ही शमा ते अपना आप कुरबान कर दिंदा है। गुरु साहब दे प्यार दी बाली होई है शमा, कुरबानी दी बाली होई है शमा, अपने आप ही परवाने हो करके उस शमा ते अपना आप भेट कर देंदे है। ये कौम दे उच्चे असूल ने जो साडा लक्ष्य हन, धन भाग हन। सतगुरां जी दे इस अस्थान ते हाजरी दा समा प्राप्त होया, आप संगतां बड़े प्यार नाल जुड़ करके सतगुरु जी दी बाणी दी विचार सतगुरां दे पवित्र इतिहास दी कथा सरवण कीती है। इन्नियां हाजरियां साडियां प्रवान करनियां, महाराज जी दे दरों करों असीस देनी, सच्चे पातशाह दे चरणां नाल प्रीत बण आवे, सिक्खी सिदक केसां सवासां दे नाल निभ जावे। गुरमुख प्यारियां ने बहुत प्यार दिता, इन्ने योग नहीं जिन्हां उन्हां ने सानूं प्यार दिता है, बख्शिश कीती है। सतगुरु गरीब नवाज रहमत करने प्यार सतगुरु जी बनाई रखन। आओ दो पंक्तियां पढ़ के फतेह बुलाइए जी। इनकी कृत सो इनहूं बनै, धन होन जग मह इन भनै। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु के प्यारियां दा।
ਗਿਆਨੀ ਜਾਂ ਕਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁੱਖ ਕਥਾਵਾਚਕ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਦੀ ਧਰਤੀ।